Good morning all. Today we will start chapter quadrilateral, class 9. In this chapter we will know what is quadrilateral. Quadrilateral is a closed figure. It is a closed figure. Having number one, four line segments. Number two, four angles. Number three, four vertices. इसके आगे एक चीज जानना और जरूरी है. Having four non-collinear points. इसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि ये non-collinear points क्या है. देखिए, हमने एक quadrilateral मतलब बनाया. मान लीजिए ये एक quadrilateral है. Quadrilateral का हमने नेमिंग किया ABCD. तो इसको चारों से मैच करिए. फोर लाइन सेगमेंट है कि नहीं है इस फिगर में? फोर लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? तो फोर लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? देखिए, एक AB है, एक BC और एक CD और एक DA. जब भी लेंगे या तो क्लॉकवाइज लेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे. मतलब क्लोज्ड फिगर में जब भी हम लोग लाइन सेगमेंट लिया जाता है तो सही पैटर्न क्या है? क्लोज्ड ये एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज. तो हम कैसे ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, है ना? तो फोर लाइन सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा? AB, BC, CD, DA. अब ऐसा नहीं है कि हम AB को BA नहीं लिख सकते हैं. AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, CD को DC भी लिख सकते हैं, DA को AD भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर हमने एक को एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो सबको एंटी क्लॉकवाइज लेना है. इज इट क्लियर? अब आता है फोर एंगल्स. फोर एंगल्स में भी हमको एक पैटर्न लेके चलना होता है कि अगर हम एंगल ए पहले ले रहे हैं तो दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी. तो ये हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. तो इस तरीके से फोर एंगल्स हो जाएंगे. अच्छा, फोर वर्टिसेस कौन कौन से हैं? वर्टिसेस मतलब कोना. जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं उसे वर्टिसेस कहते हैं. ये दो लाइन सेगमेंट यहाँ मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. तो इस तरीके से देयर आर फोर वर्टिसेस, ABCD. वर्टिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर उसमें यूज नहीं होगा. वर्टिसेस जब भी डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से. अब आता है फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. अच्छा, हमने फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किस लिए लिया है? ABCD. ये चारों नॉन कॉलिनियर किस लिए है? क्योंकि ये चारों एक लाइन में नहीं है. ठीक है?
अच्छा, अगर मान लीजिए हमने एक फिगर ऐसे लिया जिसमें ये नीचे वाले तीन पॉइंट पी क्यू आर ये कोलिनियर पॉइंट है, मान लीजिए पी क्यू आर ये कोलिनियर पॉइंट है, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है यस ये नॉन कोलिनियर है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? इस क्वाड्रिलेटरल में भी तो चार पॉइंट है भाई, इस क्वाड्रिलेटरल में चार पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये तीन पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए हमें अगर कोलिनियर पॉइंट अगर हम लेंगे पी क्यू आर, अगर कोलिनियर पॉइंट तीन कोलिनियर पॉइंट अगर आपको मिलता है तो वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा, वो हो सकता है कोई दूसरा फिगर फॉर्म कर दे। जैसे ये फिगर कौन सा है, ट्रायंगल, इसमें ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स नहीं मान सकते हैं, ये वर्टेक्स नहीं मान सकते हैं, क्यों? ये वर्टेक्स इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट है, क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल को जाना है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखिए सबसे अच्छा क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पढ़े होगे। नंबर टू स्क्वायर, नंबर थ्री पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, नंबर फोर रोम्बस, नंबर फाइव ट्रेपेजियम, नंबर फाइव ट्रेपेजियम, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स एक फिगर होता है बेटा काइट, काइट ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है ना। ये छह टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सबको इसका फिगर मालूम है, रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है देखो, छोटा छोटा बना दे रहे हैं, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से होता है ना, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से होता है, और स्क्वायर, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से, रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, इसका एक पेयर इक्वल होता है, देखिए इधर वाला पेयर की साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, इधर वाले पेयर के साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में फिगर कुछ इस टाइप्स का होता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और एक पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होती है, ये दोनों पेयर, सॉरी ये वाला पेयर पैरेलल है और ये वाला पेयर, ये और ये वाला पेयर नॉन पैरेलल है। और जबकि काइट कैसे होता है, काइट कुछ इस तरीके से होता है, ये काइट है, काइट में क्या होता है कि ये ऊपर वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं,
तो काइट हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इट इज़ ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर ओनली। क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और एक का नाम है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक का नाम है कनकेव क्वाड्रिलेटरल और एक का नाम है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है वो बेटा सिंपली ऐसे होता है, ठीक है, इसके सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ध्यान देना है, इसमें चार एंगल हैं और चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, कुछ फिगर बेटा इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं।